लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच आज बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला खेला जाना है भाई, लखनऊ LSG वर्सेस RCB। पिछली बार जब मैच हुआ था बहुत ही लड़ाई झगड़े हुए थे, इस बार भी रोमांचक मुकाबला होने वाला है। कल तो क्या ज़बरदस्त विनिंग गई थी भाई, हेड टू हेड में तो क्लीन स्वीप हो चुका था भाई, हर मैच जीते थे और सारे लोग ने होप जीते होंगे, और भाई ग्रैंड लीग में भी अच्छा विनिंग हो गया था। चलो भाई अब आज की टीम 11 बेस्ट प्लेयर देने वाले हैं ड्रीम 11 के लिए, जिससे आज भी तुम लोग विन कर पाओ भाई। पूरा लास्ट तक देखना भाई वीडियो, तभी भाई अच्छी टीम बना पाओगे। चलो भाई आ जाते हैं पहले स्टैट्स पे, देखते हैं भाई पिच रिपोर्ट क्या कहती है भाई। पहले रिसेंट फॉर्म पे देखें तो RCB लॉस है, विन है, लॉस लॉस विन भाई, दोनों चल रहे हैं लॉस विन RCB का। इसके बाद भाई लखनऊ सुपर जायंट्स की बता दे तो विन है, लॉस है, लॉस है, विन विन, और अच्छा फॉर्म है लखनऊ सुपर जायंट्स का भी। चलो भाई वेन्यू पे आते हैं तो ये मैच भाई चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला जाएगा। पिच बैटिंग के लिए है, जानते हुए भाई बेंगलोर की पिच बैटिंग के लिए होता है, पेसर को मदद करती है, और 189 एवरेज यहाँ पे स्कोर है। अगर 10 विकेट यहाँ पे गिर रहा है तो 7 पेसर ले रहे हैं भाई, 3 स्पिनर हैं, तो इस हिसाब से सोच सकते हो भाई पेसर को यहाँ विकेट ज़्यादा मिलती है। अब उस हिसाब से अपना पेसर ज़्यादा लेना भाई टीम बनाते वक्त। चलो आप आ जाते हैं भाई पहले विकेट कीपर पे, लेते हैं अपनी टीम बनाने में पहले आते हैं विकेट कीपर। विकेट कीपरिंग में हम लोग के पास 3 ऑप्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है और तीनों को मस्ट पिक ही करना है आपको, और जो तीनों ऑप्शन है आप देख ही रहे हो, KL राहुल, निकोलस पुरन और डी कॉक, ये तीनों ज़बरदस्त प्लेयर हैं और अच्छा स्कोर भी बना रहे हैं भाई। और KL राहुल भी पहला मैच फॉर्म में थे, निकोलस पुरन भी फॉर्म में चल रहे हैं, डी कॉक थोड़ा सा डाउन है भाई लेकिन भी फॉर्म में, और दिनेश कार्तिक भी अच्छे फॉर्म में है, ए रावत भी अच्छे फॉर्म में है भाई, इसमें तो विकेट कीपर की फरमार है भाई, और सारे के सारे अच्छे फॉर्म में हैं, तो इस हिसाब से आपको 3 ही लेना है। तो आपके KL राहुल का फॉर्म भाई दिखा देते हैं भाई, KL राहुल जो फॉर्म में चल रहे हैं भाई आपको दिखा देते हैं भाई, देख लेना। राजस्थान रॉयल के ड्रीम टीम में भाई थे, 96 पॉइंट निकाले थे, इसके बाद पंजाब के खिलाफ 22 पॉइंट निकाले थे, और इसके बाद अब बता दें, इसके बाद निकोलस पुरन का भी देख लो भाई, निकोलस पुरन ने दोनों टाइम भाई ड्रीम टीम में थे भाई, राजस्थान रॉयल के खिलाफ 92 पॉइंट निकाले थे, 73 पॉइंट पंजाब के खिलाफ निकाले थे भाई, देख लेना। और इसके बाद भाई डी कॉक का फॉर्म भी देख लो, डी कॉक भी पहले मैच में राजस्थान के खिलाफ तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इसके बाद भाई पंजाब के खिलाफ 85 पॉइंट निकाले थे भाई, ड्रीम टीम में थे। तो भाई ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद भाई बल्लेबाजी में आते हैं, बल्लेबाजी में भाई विराट कोहली को तो जानते हो भाई, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में भी चल रहे हैं। इसके बाद डु प्लेसिस को भी देख सकते हो, देवदत्त पार्टिकल फॉर्म में नहीं है, इनको मत लेना हो, ग्रैंड लीग में अगर लेना हो तो देख लेना भाई, ग्रैंड लीग में आप देख सकते हो। इसके बाद भाई रजत पाटीदार भी एवरेज ही फॉर्म में चल रहे हैं, ये भी कुछ खास फॉर्म में है नहीं, और इसके बाद भाई दीपक हुड्डा भी कुछ खास फॉर्म में नहीं दिख पा रहे हैं, और इसके बाद कोई है नहीं बल्लेबाजी में। तो बल्लेबाजी के ऑप्शन में पहले विराट कोहली को देखते हैं भाई, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, फॉर्म आपको दिखा देते हैं भाई। पहले मैच में चेन्नई के खिलाफ 27 पॉइंट निकाल लिए थे, पंजाब के खिलाफ 124 पॉइंट, और KKR के खिलाफ 117 पॉइंट, दोनों लास्ट दो बार में भाई ड्रीम टीम में शामिल थे, देख लो। और इसके बाद आते हैं भाई, तो विराट कोहली को तो मस्ट पिक है भाई, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी चॉइस हैं, जानते हो कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस निकलेंगे विराट कोहली। इसके बाद भाई फॉर्म टू प्लेसिस इतने अच्छे फॉर्म में तो है नहीं, देख लेना, एक ही बार चेन्नई के खिलाफ 55 पॉइंट निकाले थे, ड्रीम टीम में थे, लेकिन इसके बाद दोनों में पंजाब के खिलाफ KKR के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाए हैं। इसके बाद आते हैं भाई देवदत्त पार्टिकल भी, उनका फॉर्म देखने की ज़रूरत नहीं, अच्छे फॉर्म में है नहीं, और रजत पाटीदार भी अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, और अब यही 3 ऑप्शन है भाई, देख लेना। इसके बाद आते हैं भाई ऑलराउंडर पे, ऑलराउंडर में भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑलराउंडर, क्योंकि इसमें ग्लेन मैक्सवेल को लेना है, कैमरॉन ग्रीन को लेना है, और मार्कस स्टॉइनिस को भी लेना है, ये तीनों तो आपको मस्ट पिक होने वाले हैं भाई, ये 4 ऑप्शन में आप 3 को लेना ही लेना है। एक बार मार्कस स्टॉइनिस और कुणाल पांड्या में आप एक चॉइस कर सकते हो भाई, दोनों में से आप किसी को ले सकते हो, देख लेना ग्रैंड लीग के हिसाब से किसी को ले लेना।
ग्लेन मैक्सवेल की अगर फॉर्म भाई दिखाते तो देख लो, चेन्नई के खिलाफ 10 ही पॉइंट निकाले थे, लेकिन इसके बाद पंजाब और केकेआर के खिलाफ ड्रीम टीम में शामिल थे भाई, 37 और 57 पॉइंट निकाले हैं। इसके बाद भाई देख लेना, कैमरॉन ग्रीन भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में, दो बार चेन्नई के खिलाफ 81 पॉइंट निकाले थे, केकेआर के खिलाफ 61, पंजाब के खिलाफ काफ़ी डाउन गए थे लेकिन दो बार अच्छा पॉइंट निकाले थे। तो आपको तो ये भाई दोनों मस्ट पिक होने वाले हैं, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरॉन ग्रीन। इसके बाद स्टॉइनिस का फॉर्म तो अच्छा नहीं चल रहा है, और कुणाल पांड्या, इन दोनों में से आप एक को चॉइस कर लेना। इसके बाद भाई बॉलिंग में आते हैं, बॉलिंग में तो मोहम्मद सिराज को मस्ट पिक करना है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। चिन्ना स्वामी भाई फास्टर को मदद भी करती है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, तो सिराज को लेना है। इसके बाद भाई बिश्नोई को देख सकते हो भाई, अगर चार ले रहे हो तो 3-1 का कॉम्बिनेशन रख लेना भाई, 3 फास्टर और 1 स्पिनर इस टाइप का, क्योंकि फास्टर को थोड़ा ज़्यादा मदद मिलेगी। नवीन उल हक बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, इनको भी देख सकते हो भाई, इनका फॉर्म दिखा दे रहे हैं भाई, देख लो। एक बार ड्रीम टीम राजस्थान के खिलाफ 52 पॉइंट निकाले थे, ड्रीम टीम में थे भाई, और पंजाब के खिलाफ 18 पॉइंट निकाले थे। इसके बाद भाई आप बता देते हैं, इसके बाद आपके प्लेयर जो खेलेंगे, यश दयाल खेलते हैं और जोसफ, ये दोनों में से आप एक चॉइस कर लेना। दोनों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है भाई, जबकि यश दयाल की फॉर्म थोड़ी सी अच्छी है, देख लो। एक में 29 पॉइंट निकाले, 33 पॉइंट निकाले, 25 पॉइंट निकाले हैं। चलो इसके बाद आते हैं नीचे, कोई प्लेयर भाई बचता है? इसके बाद यार एम खान को भी देख सकते हो पिछले मैच में, एम डगर को भी देख सकते हो, सिद्धार्थ को भी देख सकते हो भाई, ये सारे प्लेयर हैं। एम यादव को भी देख सकते हो, एम यादव पिछले मैच में क्या जबरदस्त स्पीड से गेंदबाजी हुई थी पंजाब के खिलाफ, देख रहे हो भाई 85 पॉइंट निकाले थे, तो इनको भी देख सकते हो। मयंक यादव को भी देख लेना भाई, अगर लेना हो तो ले सकते हो भाई। इसके बाद आते हैं, एक ऑप्शन है एम टेगर, तो आपके पास भाई गेंदबाजी में जो ऑप्शन है बता दे रहे हैं भाई, मोहम्मद सिराज का है, रवि बिश्नोई का है, नवीन उल हक का है, और इसके बाद भाई यश दयाल का है, अलजारी जोसफ का है, और ये विजय कुमार का, करण शर्मा का, एम खान का, और वही है आपका लास्ट में एम यादव का भाई। तो इस हिसाब से देख लेना भाई, 3-1 का कॉम्बिनेशन बना लेना आप, हो गया। तो भाई अब फटाफट से टीम बना लेते हैं भाई, हम ले लेते हैं केएल राहुल, निकोलस पुरन, डीकॉक तीनों को भाई। इसके बाद बल्लेबाजी में विराट कोहली को ले लेते हैं भाई, और इसके बाद ले लेते हैं एक दीपक हुड्डा को ले लेते हैं। और चलो भाई आगे चलते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को ले, कॉमरन ग्रीन और स्टॉइनिस को ले लेते हैं तीनों में। और बॉलिंग में आते हैं, बॉलिंग में भाई सिराज को लेना है, और रवि, एक स्पिनर में रवि बिश्नोई को ले लेता हूं भाई, नवीन उल हक को ले लेता हूं, हो गई मेरी टीम तैयार। अब भाई कैप्टन वाइस कैप्टन तो बता ही दिए थे भाई, अब स्मॉल लीग में भाई विराट कोहली को देख लेना, या फिर केएल राहुल को देख लेना, निकोलस पूरन भी फॉर्म में है, ये तीनों को देख लेना, और इसके बाद मैक्सवेल को, और मैक्सवेल भी अच्छे फॉर्म में है, ये चार पांच आप देख लेना। अगर ग्रैंड लीग में देखना है तो ग्रैंड लीग में आप देख सकते हो, डीकॉक को खेल सकते हैं किसी दिन अच्छी पारी भाई, और कैमरॉन गिन को देख सकते हो, और गेंदबाजी में भाई देख सकते हो रवि बिश्नोई और सिराज को, ये चार को आप देख सकते हो ग्रैंड लीग में कैप्टन। तो यहाँ मैं भाई कैप्टन अभी के लिए बना रहा हूँ भाई केएल राहुल को, और वाइस कैप्टन में विराट कोहली को बना रहा हूँ। तो मेरा फाइनल टीम देख लो आ चुका है भाई, केएल राहुल, निकोलस पुरन, डीकॉक, विराट कोहली, दीपक हुड्डा, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, मार्कस स्टॉइनिस, मोहम्मद सिराज, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक। चलो फाइनल टीम आ गई, या फाइनल टीम चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, और देख लेना निश्चित तौर पर। थैंक यू भाई।